नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं, जो आप UPASI चाहे SI किसी में अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो सेकेंड स्टेज है आपकी DV की, उसमें किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ आपके डॉक्यूमेंट में गलतियाँ हैं जो DV में जाने से पहले आप सही करा सकते हैं, ठीक है। तो DV PST में होगा क्या, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितनी फोटोकॉपी लेके जाने हैं, अटेस्टेड कॉपी लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, इन सभी प्रश्नों के जो आपके जवाब हैं आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ESI और SI से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो समय के अनुसार आपको मिलता रहे। तो चलिए, सेकेंड स्टेज जो आपका होगा, जैसा मैंने इससे पहले दो वीडियो बना रखी हैं कि जिसमें आपका सेकेंड स्टेज होगा, उसके बाद से टाइपिंग होगा, तो वो सब इसके बाद DV के बाद आपकी टाइपिंग थर्ड स्टेज है। तो उनके बारे में अगर आपको जानकारी देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया उसकी वीडियो की लिंक, वो देख सकते हैं। तो अभी हम DV PST की बात कर लें, जो आपका नेक्स्ट स्टेज होगा अगर आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो DV PST का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और वहीं पे आपका जो फिजिकल टेस्ट है थोड़ा सा वो होगा। वैसे जनरली इस UPASI वाले में फिजिकल टेस्ट बहुत बड़ा नहीं है, कोई रनिंग वनिंग नहीं है, सिर्फ आपकी हाइट नापी जाएगी और चेस्ट नापा जाएगा, यहीं से आपका फिजिकल वो पूरा हो जाएगा। तो जब DV PST का एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा, उससे पहले, ये नहीं कि वो उसके बाद आप लोग सब चीज़ें करो, कुछ गलतियां आपके मार्कशीट में जो होती हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, जिसे आप सही करा लेना, ठीक है। अभी समय बहुत है, और आज के समय में मार्कशीट की गलतियां बहुत जल्दी सही हो जाती हैं, पहले जैसा नहीं है कि टाइम लगता है। तो यहां पर ध्यान से देखो कि आपको DV PST में क्या क्या जरूरत है, ठीक है। 10th की मार्कशीट चाहिए और उसका सर्टिफिकेट चाहिए, सनद जिसको बोलते हैं हिंदी में, मार्कशीट जो अंक पत्र होता है वो, जिसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, मदर नेम्स और डेट ऑफ बर्थ जो DOB होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से आप फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे वो 10th के मार्कशीट से ही कहता है कि आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, मदर का नेम और DOB डालिए, तो ये 10th के मार्कशीट में सही होना चाहिए, सही होगा तभी आप भरे होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए, और उसकी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर उसके 2010 के बाद किसी ने हाई स्कूल पास किया है तो मार्कशीट और सनद दोनों एक साथ आता था, उसके लिए चिंता नहीं करना है। 12th की बात करते हैं, 12th की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 12th के मार्कशीट में अगर आपका 10th के मार्कशीट जैसा नाम नहीं है, चाहे आपका, चाहे पिताजी का, चाहे मदर का, कोई भी दिक्कत है 12th के मार्कशीट में, तो आप उसे चेंज करा लीजिए। आपका यूपी बोर्ड से है तो बोर्ड पे जाके, CBSE से है तो CBSE पे जाकर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब 10th में जो नाम आपका, जो मदर नेम है और जो आपका DOB है, वही आपके 12th में भी होना चाहिए, क्योंकि ये DV में सब चेक होगा। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन का, इसकी भी सनद आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट। आपका जो ग्रेजुएशन मार्कशीट है, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो, चाहे ईयरली हो, चाहे आपने BA किया हो, BSc भी कई जगह सेमेस्टर वाइज, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, तो कई जगह सेमेस्टर वाइज चलता है, कई जगह ईयर वाइज चलता है। तो अगर आपके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आप लेके जाना है आपको, ठीक है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों मार्कशीट लेके जाना है, प्लस अगर आपके ईयर वाइज है तो ईयर वाइज लेके जाना है, उसकी मार्कशीट आपको लेके जाना है, और लास्ट में आपने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आपको एक डिग्री मिलती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से। तो वो डिग्री अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो वो डिग्री भी निकलवा ले ये यूनिवर्सिटी से। और इस बात को ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है आपकी, उस मार्कशीट पर भी आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके मदर्स का नाम, आपके DOB, वो सेम एज इट इज कैसा होना चाहिए, 10th के मार्कशीट के जैसा होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी है तो आप किसी भी मार्कशीट में, किसी ईयर के, चाहे किसी सेमेस्टर में, तो आप जाके सही करा सकते हो यूनिवर्सिटी में, 150 रुपया लगता होगा और सही होके तुरंत मार्कशीट निकल जाती, बहुत समय नहीं लगता, अभी समय है आपके पास, ये ध्यान रखिए। उसके बाद से चौथा नंबर पे आ जाते हैं, तो ओ लेवल की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है। एक बच्चा बोला था, सर मेरा ओ लेवल में कुछ गड़बड़ हो गया है पिताजी का नाम, तो ओ लेवल की मार्कशीट अगर आपने जहां से, किसी यूनिवर्सिटी से किया हो, चाहे नीलेट या डोएक से किया है, तो आप उसमें भी जो आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, मिस्टर और उससे मिसेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिताजी का नाम जो 10th में है मार्कशीट में,
जैसे संदीप कुमार पांडे कुछ भी लिखा है तो वो पूरा होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में भी और आपके किसमें ओ लेवल के जो सर्टिफिकेट है उसमें भी। ठीक है, तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट होगा आपका, अंक पत्र, वो भी लेके जाना है, और जो सर्टिफिकेट होगा कि आपको सर्टिफाई किया जाता है इसके थ्रू आप ओ लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी। दोनों में आपके 10th के जैसे ही आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और मदर का नाम और DOB सेम होना चाहिए। और जो ओ लेवल के इक्विवेलेंट आपके मार्कशीट की बात की गई है यहाँ पर, जो ASI में, कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट जितनी डिग्रियां हैं आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में जो दिया गया था, उनमें आप कोई भी डिग्री रखते हो तो उसका भी मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, और उन मार्कशीट और सर्टिफिकेट में नाम वही होना चाहिए जो आपके 10th बोर्ड में नाम, आपका नाम, पिताजी का और मदर, मैं बार बार बोल रहा हूं, सेम एज इट इज होना चाहिए आपके किसमें, जो आपने ओ लेवल के इक्विवेलेंट डिग्री लिया है या ओ लेवल लिया है, चाहे ग्रेजुएशन या किसी में भी, नाम डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट है तो उसे सही कराइए, अभी समय है आपके पास। नेक्स्ट, यूपी की डोमिसाइल, डोमिसाइल भी आपका वही सी नाम से होना चाहिए जिस नाम से आपका 10th का मार्कशीट है। ठीक है, आपके पिताजी का नाम भी वही होना चाहिए, सब कुछ वही होना चाहिए। डोमिसाइल याद करके रखना कि जो आपका फॉर्म का लास्ट डेट था उससे 6 month पुराना ही हो, वैसे कहीं लिखा नहीं है लेकिन 6 month पुराना हो तो बेटर रहेगा आपके साथ। ठीक है, तो यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखो। उसके बाद से जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था UPASI का, वो होना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। UPASI का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ये भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है फोटो, जो फोटो आपने उसमें लगाई है फॉर्म भरते समय उसी की 10-12 कॉपी निकलवा के रख लीजिए, ये भी जरूरी है। और DBPST का एडमिट कार्ड जब आएगा आपका तो उस एडमिट कार्ड को भी निकाल के आपको लेके जाना होगा जब आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि मान लो कोई SC ST कैटेगरी से है, ठीक है, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट इसका कोई नहीं दिया कितना साल पुराना, लेकिन 1-2 साल पुराना चल सकता है। लेकिन मैंने उसी समय एक वीडियो बनाया था जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म आया था, कहा था कि आप लोग जिसके पास सर्टिफिकेट ना हो बनवा सकता है न्यूली, तो न्यूली हो तो बेटर है कि फॉर्म के लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप बनवा लो, अभी का कोई सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। अभी सोचो कि इस समय हम कुछ भी बनवा लें, डोमिसाइल बनवा लें, कास्ट बना लें, तो वो मान्य नहीं होगा। आपके फॉर्म के लास्ट डेट के अंदर आपका क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपका ओ लेवल कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ उसके अंदर ही होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास हो उसे लेके जाना है, ओरिजिनल और उसकी फोटो कॉपी दोनों। OBC से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट इसके लिए फॉर्म में दिया गया था विधिवत कि 1 अप्रैल 2020 सर लेकर फॉर्म के लास्ट डेट तक का बना होना चाहिए। ठीक है, 2020 से 1 अप्रैल, मतलब अगर मार्च का बना हुआ है तो वो इनवैलिड होगा आपका। मार्च 2020 का बना है तो इनवैलिड होगा। अप्रैल से लेकर जब ये फॉर्म का लास्ट डेट था 2021 में, उस दिन तक ये आपका सर्टिफिकेट है तो वैलिड कहलाएगा OBC का, क्रीमी या नॉन क्रीमी वाला जो आपका बनता है। EWS की बात कर लें तो EWS में भी यही कैटेगरिया अप्लाई होती है, 1 अप्रैल 2020 के बाद से लेकर फॉर्म के लास्ट डेट तक आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसकी फोटो कॉपी भी करा लेना, और इसके साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका इनकम नहीं, आपके पिताजी का ही बनता है तो वो लेके जाना इनकम सर्टिफिकेट, उसमें आपका नाम रहता है तो वो पिताजी का नाम और आपका नाम जो इनकम सर्टिफिकेट में पड़ेगा वो एज ए हाई स्कूल मार्कशीट होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके क्या करना है, एटलीस्ट 2 फोटोकॉपी करानी है। ओरिजिनल तो रखना ही है, साथ साथ में 2 फोटोकॉपी करानी है, और दोनों ही कोशिश करिएगा कि गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा ले। ठीक है, किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्ट करा के ले जाओ, वो गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कॉपी DV में आपसे मांगा जाता है। साथ ही साथ कुछ लोग और, जैसे सैनिक कैटेगरी से, भूतपूर्व सैनिक से लगाए होंगे एज रिलैक्सेशन, तो उनके लिए वो अलग से है, तब आप वो आप अपने डिपार्टमेंट से, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा कि भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र दे सकता है जो वहां से मिलता है, या सेवा मुक्ति का प्रमाण पत्र जो यूनिट के कमांडेंट द्वारा दिया जाता है,
ठीक है, वो आप निकलवा लीजिएगा अपने यूनिट से, ठीक, और वो एनओसी, और साथ ही साथ कहीं कोई कार्यरत है किसी और डिपार्टमेंट में आप हो और यहाँ पर डीवी में जा रहे हो, तो आप उस डिपार्टमेंट से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा कि अगर आप कहीं कार्यरत हो और यहाँ पे जॉब चाहते हो तो वो एनओसी मांगते हैं कि इससे पहले आप जहाँ हो वहाँ से एनओसी लेकर आइए, ठीक है, तो वो भी जरूरी है। साथ ही साथ आप कुछ एक्स्ट्रा, एक तरह से बोला जाए कोई अलग से पढ़ाई किया है तो हो सकता है आपको वहाँ पे वैधता दी जाए, वरीयता पहले दी जाए, मान लीजिए कि आपने मास्टर वोस्टर किया है कंप्यूटर में और भी सब चीज़ें किया है, तो वो भी सर्टिफिकेट, जितनी सर्टिफिकेट हैं आपने लाइफ टाइम में जो भी अचीव किया है वो सब लेके जाना, ठीक है, वो सभी लेके चले जाना। जैसे एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी आप लेके जा सकते हो, उसकी भी फोटोकॉपी और अटेस्टेड जरूर करा लेना। तो ये तो चीज़ें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे जो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीजों का कि आपको ये लेकर डीवी में जाना जरूरी है, इसके ओरिजिनल और क्या इसका फोटोकॉपी अटेस्टेड, वो भी गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा। और मैंने जो गलतियां बताई कि अगर आपके नाम में, चाहे आपके पिताजी के नाम में, चाहे मदर के नेम में, चाहे डीओबी में, किसी भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट में, चाहे वो डिग्री वाला हो, ग्रेजुएशन, चाहे ओ लेवल, चाहे ट्वेल्थ, किसी में भी आपकी दिक्कत हो तो वो सही करा लें अभी, क्योंकि अभी बहुत समय है और आराम से सही हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है अब कोई भी आपका सही कराने में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको जिसमें भी इशू होगा इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो इस वीडियो से, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जरूर डालिएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा, चाहे आपको कमेंट के माध्यम से, चाहे एक वीडियो ही मैं बना दूंगा अगर सभी के एक जैसे कोई प्रश्न होते हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।